हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2022 में लोवेस्ट फी स्ट्रक्चर का। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से स्टेट में है, कौन कौन से कॉलेज है, क्या फी स्ट्रक्चर जाएगी, कितने रैंक पे कौन से सीटें मिल सकती है, और साथ में मैं बात करूँगा कि यदि आपका नीट स्कोर कम है तो आपको क्या करना चाहिए, और साथ में एनआरआई कोटे के बारे में बताऊँगा कि एनआरआई कोटे का काउंसलिंग कैसे होती है, और जो मैनोरिटी का बेनिफिट आप लोग कैसे उठा सकते हैं, कौन कौन से स्टेट में आप लोगों को मैनोरिटी के मेडिकल कॉलेज अवेलेबल है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों को पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो हम या हमारा टीम आपको भरपूर सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल करके सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो सर्विसेज है ये चार्जेबल है, और इसके बाद आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको बताई जाती है कि काउंसलिंग कैसे करना है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट कहाँ मिलेगी, कौन से स्टेट में मिलेगी, कैसे काउंसलिंग करना होगा, चीप एंड बेस्ट कॉलेज कैसे मिलेगा, इन सारी जानकारी के साथ हमारा टीम आप लोगों को सपोर्ट करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो सबसे चीप स्टेट है, जो सबसे चीप एंड बेस्ट कॉलेज आपको जो अवेलेबल है वो कौन कौन से स्टेट में है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कर्नाटका का। कर्नाटका लो फी स्ट्रक्चर, लोवेस्ट फी स्ट्रक्चर के स्टेट के नाम से जाना जाता है, और ये मेडिकल हब है। यहाँ पे कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, कॉलेज की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, और कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे इंडिया के सभी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, पीजी में, पीजी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करते हैं कर्नाटका का, तो कर्नाटका का जो फी है पी कोटे का, यानी कि 11,50,000 पर एनम फी है। ये 11,50,000 फी कौन कौन से स्टूडेंट को मिल सकता है, और ये कौन कौन से ब्रांच का, इसके बारे में बात करूँ तो ये सभी ब्रांच का फी। कर्नाटका के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को छोड़ के, आदि चुनचुनगिरी एचडीएम और खाजा बांदे नवाज, इन तीन कॉलेज के छोड़ के जितने भी कॉलेज है सभी का फी 11,50,000 पर एनम है। बाकी के जो तीन कॉलेज हैं, खाजा बांदे नवाज, आदि चुनचुनगिरी एचडीएम, इन सभी कॉलेज का फी लगभग 20 लाख से स्टार्ट होता है, और ये 35 लाख 40 लाख पर एनम तक जाता है। तो हम बात करते हैं कि जो 11,50,000 पर एनम का जो सीट है, ये कितने रैंक पे कौन कौन से स्टूडेंट को मिल सकता है। तो मैं आप सबको बता दूं, यदि कर्नाटका में आप लोगों को रेडियोलॉजी का सीट चाहिए, और तो आपको 11,50,000 का सीट कितने रैंक पर मिल सकती है। अप्रोक्स यदि आपको 10,000 या 11,000 ऑल इंडिया रैंक आता है, तो आपको कर्नाटका में 11,50,000 का रेडियो का सीट मिल सकता है। डर्मेटोलॉजी की अगर बात किया जाए, तो ये आपको लगभग 9,000 ऑल इंडिया रैंक आता है, तो आपको ये मिल सकता है। और अगर हम बात करते हैं मेडिसिन का, जनरल मेडिसिन, आपको कर्नाटका के अंदर अगर 18,000 ऑल इंडिया रैंक या 19,000 आता है, तो आप इजीली जनरल मेडिसिन का सीट ऑप्ट कर सकते हैं। ओबीजीवाई की बात किया जाए, तो ये भी सेम लगभग 19,000 तक मिल सकता है। पीडियाट्रिक्स के बात किया जाए, तो ये भी लगभग 19,000 तक, ये ऑल इंडिया रैंक तक आपको मिल सकता है। जनरल सर्जरी 26-27,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है। ऑर्थोपेडिक्स 24,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है। एनेस्थीसिया लगभग 50-60,000 एनेस्थीसिया, ईएनटी आपको 50-60,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है। साइकेट्रिक मेडिसिन भी आपको 50-60,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है। अब बात करते हैं हम इसके बाद ऑप्थल्मोलॉजी, तो ऑप्थल आपको 40-50,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है। ये जो मैंने कटअप बताया है, ये मॉप अप राउंड तक, लास्ट जो मॉप अप राउंड होगा, जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, उस काउंसलिंग में इस रैंक तक आपको ये सीटें अवेलेबल हो सकती है। तो यदि आपको इस टाइप से आपका रैंक होगा, पर्टिकुलर जो मैंने ब्रांच बताया, तो आप बिल्कुल कर्नाटका के लिए फाइट कर सकते हैं, जहाँ के आपको 11,50,000 पर ईयर का सीट मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश भी एक ओपन स्टेट है। आंध्र प्रदेश का जो फी है ओवरऑल, वो 8,64,000 पर ईयर फी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इंडिया के सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए आंध्र प्रदेश के अंदर, तो मैं एक बार डिफाइन करता हूँ कि आंध्र प्रदेश के अंदर प्राइवेट कॉलेज के जो बी कैट के सीट है, जिसका फी 8,64,000 फी स्ट्रक्चर है, इस सीट के लिए इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बाकी जो आंध्र प्रदेश के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर ए कैट के सीट है, इसके लिए सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल हैं, या फिर जो प्योर गवर्नमेंट के सीट है, इनके लिए भी डोमिसाइल स्टूडेंट एलिजिबल हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर कैट बी, यानी कि मैनेजमेंट कोटे के सीट, और कैट सी, एनआरआई कोटे के सीट के लिए आप सभी एलिजिबल हैं।
तो बात करते हैं कितने स्कोर तक आपको आंध्र प्रदेश के अंदर कौन कौन से ब्रांच मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी का भी सीट है जो कि कम से कम रैंक में आपको सीटें अवेलेबल हो जाती है। तो आंध्र प्रदेश के में अगर आप लोगों को रेडियो का सीट चाहिए और आप आंध्र प्रदेश से या फिर आंध्र प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं और आपको बी कैट के यानी कि 8,64,000 पर ईयर का आपका सीट चाहिए तो आपका ऑल इंडिया रैंक लगभग आपको 10,000 होना चाहिए। डर्मेटोलॉजी के लिए लगभग आपको 9,000 होना चाहिए, 8,000 to 9,000 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके बाद मेडिसिन के लिए, तो मेडिसिन के लिए बी कैट के लिए अगर आपके पास लगभग 19,000 अगर ऑल इंडिया रैंक है तो आपको मिल सकता है, यानी कि जस्ट लाइक कर्नाटका, कर्नाटका में जो सीट मिल रहा है जिस रैंक पे, वो सेम रैंक पे आपको आंध्र प्रदेश में मिलता है। क्योंकि आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ की इंडिया के सभी स्टूडेंट जाना पसंद नहीं करते हैं जितना कि कर्नाटका जाना पसंद करते हैं। कर्नाटका का फी ज़्यादा है इसलिए कर्नाटका में लोग कर्नाटका में जो कॉलेजेस की संख्या ज़्यादा है और लैंग्वेज की प्रॉब्लम कम होती है इसलिए कर्नाटका लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। और आंध्र प्रदेश की जो काउंसलिंग होती है ये थोड़ा सा अलग टाइप की होती है, पहले होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज के अलग से काउंसलिंग होती है, इसके बाद बी कैट के मैनेजमेंट कोटे के अलग होती है, एनआरआई कोटे के अलग होती है। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसलिए कर्नाटका की तरह ही यहाँ पर भी कट ऑफ जाता है। अब बात करते हैं गायनी के लिए, अगर 22,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आपको मॉपअप राउंड तक सीटें मिल सकती है। पीडियाट्रिक्स आपको 20,000 तक मिल पाएंगे, 18,000 to 20,000 अगर ऑल इंडिया रैंक है तो आपको सीटें मिल सकती है। जनरल सर्जरी आपको 25,000 to 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक सीटें मिल सकती है। वहीं बात करते हैं ऑप्थल ईएनटी और एनेस्थीसिया का, तो ये आपको 40,000 to 45,000 तक मिलने की चांसेस बन सकती है, 100% नहीं लेकिन आपको मॉपअप राउंड तक ये मिलने के चांसेस बनेगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ऑर्थो का, तो ऑर्थो के लिए आपको 22,000 to 23,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीटें मिल सकती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद अगला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा भी एक ओपन स्टेट है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट हरियाणा के सीट के लिए एलिजिबल हैं। हरियाणा में इंडिया के सभी स्टूडेंट पीजी के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। हरियाणा का जो फी है वो लोएस्ट फी है 14 to 15 lakh पर एनम। दो ऐसे कॉलेज है आदेश मेडिकल कॉलेज और एनसी मेडिकल कॉलेज, इसका फी 14 to 15 lakh पर 14 to 15 lakh पर एनम है। बाकी एक एसजीटी मेडिकल कॉलेज है जिसका फी थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आपको आदेश और एनसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको अगर रेडियो के सीट चाहिए ऑल इंडिया रैंक अगर 20,000 to 30,000 है तो आपको मिल सकता है रेडियो और डर्मा के सीट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मेडिसिन पीडिया और गायनी के लिए आपको अगर 40,000 तक अगर आपको ऑल इंडिया रैंक या 45,000 तो आपको मिल सकता है इस बजट में। इसके बाद हम बात करिए आपको मॉपअप राउंड तक मिल सकता है, क्योंकि आदेश और एनसी थोड़ा नया कॉलेज था पिछले साल इसलिए थोड़ा सा नीचे चला गया था इसका कटअप। अब इस साल भी जाने के चांसेस है क्योंकि सीटें भी काफ़ी एड ऑन होने वाला है, तो इसके आधार पर मैं एक्सपेक्टेड आप लोगों को बता रहा हूँ। एनेस्थीसिया के लिए अगर आपको 70,000 अगर ऑल इंडिया रैंक है तो मिल सकता है। ईएनटी 70,000 या फिर सॉरी एनेस्थीसिया अगर 70,000 to 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है। ईएनटी 70,000 to 75,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है हरियाणा में। ऑर्थो के बात किया जाए तो ये भी आपको 70,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है, 70 या 65 ऑल इंडिया रैंक तक। इसके बाद OBGY की बात किया जाए तो ये भी आपको 40,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको मिल सकता है, ये मॉपअप राउंड तक आपको मिलेगा। ये रहा आपका हरियाणा का। हरियाणा के बाद मैं आपको बात करता हूँ वेस्ट बंगाल। तो मैं जो हरियाणा का भी एक्सपेक्टेड रैंक बताया हूँ कि इस रैंक पे पर्टिकुलर ब्रांच मिल सकता है, तो आपको पर्टिकुलर हरियाणा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आप इसके अलावा एक दो और स्टेट को बैकअप में ले सकते हैं। बाय द वे अगर हरियाणा कुछ रैंक की वजह से चूक जाता है तो अगला स्टेट में आपको सीटें मिल सकती है, तो ये आपको बैकअप जरूर रखना है। अगला स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और वेस्ट बंगाल है ओपन स्टेट है, यहाँ पे जो फी है वो लगभग 5 to 21 lakh 23 lakh पर एनम तक जाता है। यहाँ पे आपको KPC मेडिकल कॉलेज है जिसका फी 21 lakh पर एनम है और एक IQCT मेडिकल कॉलेज इसका 23 lakh पर एनम जाता है। और एक और कॉलेज है, दो और कॉलेज है जिसमें
इस बार पीजी के सीट आने वाला है वेस्ट बंगाल में। इस बार दो और कॉलेज में पीजी का सीट आ सकता है। तो जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से हैं या फिर वेस्ट बंगाल के बाहर के हैं और वेस्ट बंगाल से पीजी करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा गुड न्यूज हो सकता है। वेस्ट बंगाल में जो केपीसी मेडिकल कॉलेज है, इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। बात किया जाए कर्नाटका से भी कट ऑफ हाई जाता है। तो वेस्ट बंगाल में अगर रेडियो के सीट चाहिए तो इसके लिए आपको ऑल इंडिया रैंक, अगर ऑल इंडिया रैंक अगर आपको लगभग आपको 15,000 या फिर 12,000 है तो आपको सीटें मिल सकती है रेडियो या डर्मा का। जो 21 लाख पर एनम है ये सीट मिल सकता है। 5 लाख पर एनम जो सीट है इसके लिए स्टेट के स्टूडेंट सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डोमिसाइल स्टूडेंट। अगर आपको मेडिसिन का सीट चाहिए 21 लाख पर एनम का, तो इसके लिए भी आपको रैंक लगभग आपको 20,000 होना चाहिए मेडिसिन, गायनी और पीडिया के लिए, तभी ये सीट आपको मिल सकता है। इसके बाद ऑर्थो का भी सीट लगभग 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक, सर्जरी का सीट 25 to 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है। एनेस्थीसिया ईएनटी आपको 40-45,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकता है। अगला स्टेट जो है वह है आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है, यहाँ पे जो फी है वो 15 लाख पर एनम है। तमिलनाडु में इंडिया के सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हैं तो एनआरआई कोटे से भी अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई का फी वहाँ पे काफ़ी कम है, लगभग 30-35 लाख समथिंग पर ईयर वहाँ पे जाता है। अगर आपका स्कोर कम है, जस्ट क्वालिफाई है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट मैं आप लोगों को और बता दूँ, तब मैं तमिलनाडु के बारे में बताऊँगा कि वैसे स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाई है यानी कि स्कोर कम है और काफ़ी चिंतित हैं, तो आप सबको बता दूं कि यदि आपका स्कोर कम है, आपका स्कोर कम है और अच्छी सीट चाहिए तो आपके पास बजट होना चाहिए। अगर आपका रैंक कम है, रैंक ज़्यादा है यानी कि स्कोर कम है और टॉप की क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, तो इसके लिए आपके पास बजट अगर का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यदि आपका बजट स्कोर कम है लेकिन बजट का प्रॉब्लम है तो आपको अच्छा सीट नहीं मिल सकता है, या फिर आपको लोअर क्लिनिकल ब्रांच मिल सकता है। यदि आपको स्कोर बिल्कुल कम है और बजट का बिल्कुल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको किसी भी तरीके के सीट नहीं मिल सकता है। आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इस अभी से ही ड्रॉप ले लें और नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करें। तो ये सारी चीज़ों को आप समझिए। यदि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है तो काफ़ी अच्छा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में 15 लाख पर एनम मैंने बताया सभी कॉलेज के। यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी के कॉलेज है जहाँ की हिडन चार्जेस ली जाती है। पिछले साल जब सीट अलॉटमेंट हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट से हिडन चार्जेस का डिमांड किया गया था, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एडमिशन लेने से पहले एक बार कॉलेज से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अगला स्टेट है केरला। केरला क्लोज स्टेट है, तो केरला के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये क्लोज स्टेट है। यहाँ पे भी 15 लाख पर एनम है। जो केरला के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस केरला से है, वैसे स्टूडेंट 15 लाख पर एनम के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पीजी कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। महाराष्ट्र भी क्लोज स्टेट है, तो इसके लिए जो एमबीबीएस महाराष्ट्र से किए हैं सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं। महाराष्ट्र के अंदर 7-14 लाख पर एनम है। आउटसाइडर स्टूडेंट महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो ये भी एक क्लोज स्टेट है। मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया के बाहर मध्य प्रदेश के बाहरी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर एलिजिबल स्टूडेंट जो जिनका डोमिसाइल मध्य प्रदेश का है या फिर जो MBBS मध्य प्रदेश से किए हैं, ये दोनों कंडीशन में स्टूडेंट एलिजिबल हैं। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग कॉलेज की अगर बात किया जाए तो 2 मेडिकल कॉलेज इंदौर में है और एक आडीगाड़ी में है, एक अमलतास मेडिकल कॉलेज। टोटल 8 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल में है, पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल में है, एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल में है। अगर आप बात करें तो एक आडीगाड़ी मेडिकल कॉलेज जो है उज्जैन में है, श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर में है, और अमलतास मेडिकल कॉलेज एक है जो कि इंडेक्स का ही एक ब्रांच है। तो मध्य प्रदेश में डोमिसाइल स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, कम से कम स्कोर पे लो बजट के प्राइवेट सीट मिल जाता है। तो आप लोग
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं आप लोग इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप लोग मध्य प्रदेश के काउंसलिंग कीजिए, लास्ट मोमेंट तक आपको सीटें मिल जाएंगे। अगला स्टेट है बिहार। बिहार में छोटे ब्रांच यानी कि जो लोअर क्लिनिकल ब्रांच है, लोअर क्लिनिकल ब्रांच बिल्कुल अगर 50,000 टॉलिंग का रैंक है तो आपको बिल्कुल ईजी वे में मिल सकता है। बिहार एक ओपन स्टेट है, यहाँ पर गलती से क्लोज स्टेट लिखा गया है, तो बिहार एक ओपन स्टेट है, इंडिया के सभी स्टूडेंट बिहार के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे लोअर क्लिनिकल ब्रांच का जो फी है वो लगभग 7 to 10 lakh, 11 lakh पर एनम है। एनेस्थीसिया, ईएनटी और ओप्था जैसे ब्रांच का फी 7 to 10 lakh पर एनम है। अगर आपको ये सीट चाहिए और अगर लगभग आपको 50,000-55,000 डॉलर दे रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर सर्जरी का बात किया जाए साइकेट्रिक मेडिसिन का तो 18 lakh पर एनम है, इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। रेडियो के सीट के लिए अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 40 to 50,000 है तो रेडियो डर्मा ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद ये लास्ट स्टेट था। इसके बाद एक और स्टेट है पंजाब। पंजाब क्लोज स्टेट है। पंजाब में जो अगर फी की बात किया जाए तो 6.50 lakh पर एनम टू 14 lakh पर एनम जाता है। तो यहाँ पे जो डोमिसाइल स्टूडेंट है जिनका MBBS पंजाब से है वैसे स्टूडेंट एलिजिबल हैं, बाकी के स्टूडेंट पंजाब के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि मैं एक बार क्लियर बता देता हूँ आप सभी को स्टूडेंट को कि जिनका रेडियो का सीट चाहिए, लो बजट में अगर रेडियो का सीट चाहिए अप्रोक्स अगर 8 lakh to 25 lakh पर एनम तक अगर आपको सीट चाहिए, ऑल इंडिया रैंक 40,000 होगा, सॉरी ऑल इंडिया रैंक 30,000 होगा तो आपको सीट मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक 30,000 तक रेडियो डर्मा का सीट मिल सकता है, 20 to 25 lakh का सीट। इसके लिए आपके स्कोर पे, स्कोर के साथ साथ कॉलेज और स्टेट को एनालाइज करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा कि आपको किस स्टेट में कौन से कॉलेज मिल पाएंगे। अगर आपको मेडिसिन, पीडिया और गायनी का सीट चाहिए, आपका ऑल इंडिया रैंक और आपका बजट 10 lakh to 25 lakh तक का है तो आपको ऑल इंडिया रैंक लगभग आपको 50,000 तक है तो आप ट्राई कर सकते हैं। 50,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं ऑर्थो सर्जरी का। तो ऑर्थो सर्जरी के लिए यदि आपको 20 lakh to 25 lakh या फिर 10 लाख तक का अगर आपको ब्रांच चाहिए ऑल इंडिया रैंक, अगर आपको अप्रोक्स 60,000 है, 65,000 है, 70,000 है तो आपको सीटें मिल सकती हैं। एनेस्थीसिया के लिए अगर 90-95,000 है तो आपको 20-25 lakh पर ईयर का आपको सीटें मिल सकती है। साइकेट्री का मिल सकती है अगर 90,000 अगर ऑल इंडिया रैंक है तो। ENT के लिए आपको 80,000 अगर ऑल इंडिया रैंक है, 85,000 है तो मिल सकता है। तो मैंने आपको एक रैंक बता दिया, उस रैंक पे आपको बजट बता दिया लोवेस्ट जो कि मिल सकता है। इसके लिए आपको काफ़ी वर्कआउट करने पड़ेंगे और इस सीट को निकालने पड़ेंगे किस स्टेट में आपको मिल पा रहा है। और अगर हम एक चीज़ पे और फोकस करते हैं, यदि आपके पास माइनॉरिटी का बेनिफिट मिलता है, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया, सिख माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, तो इसके लिए माइनॉरिटी का भी बेनिफिट ले सकते हैं। काफ़ी कॉलेजेस हैं माइनॉरिटी का जहाँ पे कम नंबर पे आपको अच्छे ब्रांच मिल जाते हैं। जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी की बात किया जाए तो मुस्लिम माइनॉरिटी के कर्नाटका में भी सीटें हैं, जैसे कि आपको एनोपोया मेडिकल कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, अल अमीन मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद ख्वाजा बांदे नवाज है, इन सारे कॉलेजेस में कम नंबर पे भी आपको सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद यूपी में भी मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट है, बिहार में मुस्लिम माइनॉरिटी का सीट है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट है, तो मुस्लिम स्टूडेंट को इन सारे स्टेट में बेनिफिट मिल सकता है। क्रिश्चियन के लिए बात किया जाए तो आपको कर्नाटका में सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है, फादर मुलर जैसे कॉलेज है, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टूडेंट को इस जगह पे, या फिर लुधियाना में कॉलेज है या फिर CMC विलोर में कॉलेज है, तो इन जगह पे आप अपना माइनॉरिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। जैन माइनॉरिटी की बात किया जाए तो सुमनदीप विद्यापीठ जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी गुजरात में, यहाँ पे माइनॉरिटी का काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ जैन को उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। बात करते हैं अगर हम सिख माइनॉरिटी का, तो सिख माइनॉरिटी के पंजाब के अंदर मेडिकल कॉलेज एक है जिसमें सिख माइनॉरिटी के काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, साथ में बिहार में भी एक कॉलेज है
जहाँ सिख मेजोरिटी के कम स्कोर पे अच्छे ब्रांच मिल जाते हैं, चीप एंड बेस्ट ब्रांच। तो ये मैंने बताया आपको माइनॉरिटी का बेनिफिट। अब हम बात करते हैं एनआरआई कोटे का। वैसे स्टूडेंट जो स्कोर जस्ट क्वालिफाइड हैं, बजट का प्रॉब्लम नहीं है, टॉप के क्लिनिकल ब्रांच जो चाहते हैं और अच्छा कॉलेज चाहते हैं, तो आप लास्ट एक ऑप्शन एनआरआई कोटे का ऐड कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ की फी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कॉलेज अच्छा मिल सकता है, उन कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं। एनआरआई के लिए आपको स्पॉन्सर होना चाहिए। इसके लिए आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेंगे तो आपको ब्लड रिलेशन होना चाहिए, जिसका कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें मैं आपको सारे डिटेल्स में मेंशन किया हुआ है कि कैस किस टाइप का आपको डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप उसे अरेंज करके अभी से रखें ताकि उस समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एनआरआई कोटे से अगर आपको जस्ट क्वालिफाई है या थोड़ा बहुत ज़्यादा स्कोर है तो आप लोग बेनिफिट हो सकता है। अच्छे कॉलेज, टॉप कॉलेज, एवरेज फी स्ट्रक्चर में आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको वर्कआउट करने पड़ेगा कि कौन से कॉलेज के क्या फी है एनआरआई कोटे का। तो ये सारी चीज़ों को आप चुकिए मत, अभी आप लोगों को समय काफ़ी अच्छा है वर्कआउट करने का। एक एक चीज़ों पर वर्कआउट कीजिए, तब आप बिल्कुल इजी तरीके से अपना सीट को ऑप्ट कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।